फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा सारा पूजा सारा काम हो चुका है। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और रेडी होके जा रही हूँ अनन्या को स्कूल से लाने। तो चलिए, टाइम हो गया है 11:30। तो अब मैं पूजा करके तो अभी झटपट मैं पूजा करके आई हूँ और मैंने जल्दी से पूजा करके तैयार होके अब जा रही हूँ उसे लाने। लंच भी देना था तो जल्दी जल्दी मैं बस आधे पराठे मैंने खाए, अब मैं निकल रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आकर फिर जल्दी से लंच की तैयारी करनी है। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम उसे लाने और फिर मिलते हैं आपसे उसको लाने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग घर आ चुके हैं, मैं स्कूल से घर आ चुकी हूँ। और ये देखिए मैडम को आते ही इनका कपड़ा मैंने खोल दिया है। अब जा रही हूँ, इसे पहले नहलाऊंगी क्योंकि 2 दिन से ये नहाई नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इतनी ठंड है और बच्चे रोज स्कूल से आ रहे हैं और नाश्ता करने में ही इसको इतना टाइम हो जाता है कि नहलाना फिर मुझे नहीं हो पाता है। और आज धूप निकला है, कल तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकला था, इसके कारण मैं आज इसे नहलाने जा रही हूँ। पानी गर्म हो रहा है और उसके बाद फिर इसे नहलाने के बाद फिर इसे खाना दूंगी, क्योंकि फिर खाते खाते ये 1 घंटा लगाती है, उसके बाद फिर धूप भी चला जाएगा। और यहाँ ये देखिए मुझे हो गया है छोटा सा घाव, कुछ पता नहीं क्या है, इसका मैं दवा लूंगी क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है और वीडियो बनाने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है। ये देखिए इसका बाल, बलून बलून बेबी प्रिंट का बलून है। तो चलिए मैं भी नाश्ता कर लूँ, मैं अपनी चाय गर्म करूँगी और फिर नाश्ता पहले इसको नहला दूं, फिर इसे रेडी करके इसे भी करवाऊंगी, खुद भी खाऊंगी। तो चलिए फटाफट जल्दी से मैं इसे करूं। और मैंने कैटल में पानी रख दिया है, पानी ये गर्म हो रहा है। तो चलिए जल्दी से, एक्चुअली मेरा गीजर का गैस ख़त्म हो चुका है और गैस वाले भैया आ नहीं रहे हैं, उनके घर में कोई प्रोग्राम है उसके कारण वो नहीं आ रहे हैं, तो मेरा गैस भी नहीं हो रहा है। और भी दोनों गैस मेरा ख़त्म हो चुका है, एक तो सिलेंडर लगा हुआ है किचन में तो इसके कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा करना है, इसलिए कैटल में कर ले रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, उसको मैं जल्दी से नहला दूँ, नहीं तो और लेट हो जाएगा, बच्चे को नाश्ता भी करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं, लगातार बन रही है इस ब्लॉग में। देखिए फ्रेंड्स, मैं आई हूँ छत पे कपड़े धोने के लिए। ये रहा कपड़ा, पानी भर रहा है, बहुत कम पानी गिरता है इसलिए मुझे पहले इसे खोल कर भरना पड़ता है, उसके बाद मैं फिर कपड़े धोना स्टार्ट करती हूँ। और नाला हमेशा खुला रखती हूँ ताकि भरता रहे। और कुछ कपड़े गलाए हैं, गले हुए हैं इस छत पे भी, इस छत पे भी। तो चलिए कपड़े धो लूँ, दिन भर काम काम, सुबह उठिए तो घर का काम, फिर बच्चे को लाने जाइए, फिर उसके बाद उन लोगों को खिलाना पिलाना, फिर उसके बाद ये कपड़े ठंडी में जाता, मैं छत पे धोती हूँ क्योंकि एक तो ठंडी भी नहीं लगती, धूप रहता है तो, और आराम से ही धोती हूँ, नहा कर आराम से ही कपड़े धोती हूँ, तो ऐसे नहीं। चलिए तो ये देखिए फ्रेंड्स, दिन भर की थकान के बाद बस हमने हल्का सा बस डिनर तैयार किया, वो भी चाउमीन, क्योंकि इसके पापा नहीं थे तो बच्चों का मन था चाउमीन खाने का। तो मैंने बस चाउमीन को बनाने के लिए शिमला मिर्च प्याज इन सबको फ्राई कर दिया, उसमें थोड़ा सा सोया सॉस नमक और टमाटो सॉस डाल के, और मैंने चाउमीन को पहले से ही उबाल लिया था, उसे उसमें मिक्स करके फिर हम लोग अच्छे से तीनों माँ बेटा बेटी चाउमीन खाएं। और फिर मेरे पास मैंने ब्रेड भी लाया था, तो ब्रेड को ब्रेड का सैंडविच बनाने के बजाय मैंने चाउमीन का सैंडविच बना दिया, मतलब ब्रेड के बीच में चाउमीन रख कर और बच्चों के लिए तो तैयार कर दिया इस तरह से। और सॉस इनको पसंद, मतलब अनन्या को पसंद नहीं है, तो तन्मय भी कहा कि मुझे भी सॉस नहीं चाहिए, तो मैंने इन लोग में सॉस नहीं डाला था, बिना सॉस का ही मैंने बनाया, बस ठीक ठाक बन गया अच्छा लग रहा था, टेस्टी लग रहा था चाउमीन के साथ, उसमें मैंने टमाटो और अनियन भी थोड़ा सा डाल दिया था, तो बच्चे बहुत अच्छे से चाव से खा लिए, अच्छा लग रहा था। अनन्या ने नहीं खाया, तन्मय ने खाया, मैंने खाया, अनन्या के लिए मुझे सिंपल बनाना पड़ा। तो इस तरह से मैंने, हम तीनों ने बस यही डिनर किया, चाउमीन और ब्रेड चाउमीन,
सैंडविच। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो दिन भर के काम का, दिन भर की रूटीन, सुबह से लेकर रात तक की रूटीन अगर आपको पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए, मेरी ये रेसिपी कैसी लगी न्यू सैंडविच की, सैंडविच विथ चाउमिन। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।